पूर्व पक्ष विचार आरंभ कर रहा है, ननो नवरंग रूपो देहो नवशक्तिमयम श्रीचक्रम। नवरंग रूपो देहो दूसरा वाक्य था, नवशक्तिमयम नवचक्रमयम श्रीचक्रम ये तीसरा वाक्य था। वहां से अंत तक की सकल वाक्यों में कहा हुआ जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं को कहाँ करना है, इस पर शंका करता है। दो तरीका है, श्रीयंत्र और शरीर है हमारे पास। इस शरीर में श्रीयंत्र की भावना करें या श्रीयंत्र में शरीर की भावना करें, इसको वहां देखें या उसको यहां देखें, इसको कहां देखें। पूर्व पक्षी पर विचार कर रहा है, इत्यादि में कहे गई भावनाएं देहादि अनन्यत्वम श्रीचक्रादि नाम भावनीयम इत्युक्तम न तथा वाच्य। पूर्व पक्षी कहता है, आपने कहा देहादि के साथ अनन्य रूपेण श्री चक्र आदि की भावना करनी चाहिए, ये जो आपने कहा वो उचित नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। क्यों? श्री चक्र आदि अनन्यत्व सेव देहादि नाम, श्री चक्र आदि का अन्यत्व देहादि के साथ, देहादियों का अनन्यत्व श्री चक्र के साथ नहीं, श्री चक्र का अनन्यत्व देहादि के साथ करना ही उचित है। भावनीयत्व अभिप्रायात इति चिन्नो सिद्धांत के दैसे मत कहो। जैसे प्रतिमा आदि विष्णु का करते हैं, दोनों तरीका है, विष्णु में शालग्राम है या शालग्राम में विष्णु है। शालग्राम में विष्णु मानेंगे आप, फिर तो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ जाएगी, तो कराया नहीं जाता। नर्मदेश्वर में शिवजी मानते हैं आप, या शिवजी में नर्मदेश्वर मानते हैं आप, ये दोनों ही गलत है। न नर्मदेश्वर में शिवजी हैं, न शिवजी में नर्मदेश्वर है, किंतु शिवजी ही नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर ही शिवजी है। शालग्राम ही विष्णु है, विष्णु ही शालग्राम है, अभेद है वाक्यंत। इसे उसको इसमें करना, इसको उसमें करना, ये तो भौतिक वस्तु में घटता है। ये षड्यंत्र भौतिक वस्तु मान लिया और इधर खुद को भी एक बहुत ही वस्तु माना, इसलिए प्रश्न पूछ रहा है ये, भाई देहादि का अनन्यत्व श्रीयंत्र आदि के साथ करनी है या श्रीयंत्र का अनन्यत्व देहादि के साथ करनी है। और उसके मत में श्रीचक्र आदियों का अनन्यत्व देहादि के साथ करना ही भावनीयत्व अभिप्राय है। चिन्ह सिद्धांत ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञात्राद भेद भावनम श्रीचक्र पूजनम, वैसे दूसरी वाक्य में कहा कि ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों की अभेद भावना करना ही श्री चक्र की पूजा है। ज्ञात्रादि अभेद की भावना करना ही श्री चक्र की पूजा है, ऐसा जो कहा है वो क्यों कहा? फिर स्पष्ट वाक्य न इत्यनेन स्पष्ट वाक्य ने, स्पष्ट वाक्य के द्वारा श्री चक्रादिशो देहादि बुद्धि कर्तव्यतावगमान, श्री चक्रादियों में देहादि का बुद्धि करना ही भावना करना उचित है, ऐसा मालूम होता है। ये श्री चक्र की पूजा कर दिया, इन ज्ञात्र के आदि को अभेद करना ही श्री चक्र की पूजा कर, मैं अभेद कहाँ करूंगा, इसको उस श्री चक्र में अभेद कर देना है, श्री चक्र को अपने में नहीं करना। अधिकतर लोग यही लेते हैं, लेकिन कहते हैं वास्तव में ये होना चाहिए, ये अपय दीक्षित कार का मत है। यदि देहायुषु चक्र श्री चक्राधिपत्य कर्तव्यता उपदिशेत, यदि देहादियों में श्री चक्राधि की बुद्धि करना या करने के लिए ही उपदेश दिए होते तथा पूजन से व मुख्यत्व आपत्या, तब तो पूजा ही मुख्य हो जाएगी, तो भावना प्रसिद्धित्य संज्ञा अनुपन्न सियात, फिर तो भावना ऐसा करना चाहिए। ये जो इसका नाम भी रखा है भावना प्रसिद्ध, ये नाम भी बेकार हो जाएगा, अयुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये अपने बाह्य क्रिया ही प्रदान कर दिया। तो यद्यपि देवे विषय का मंत्र जप मात्रवान यदा कदावा तदर्थ विचार द्वारको द्वारोक्त प्रकारक तत्व भावनया निष्काम क्रमेण मुक्ति पदम प्राप्त। यद्यपि यह भी हो सकती है कि भाई देवी विषय का मंत्र जप मात्र को लेकर के, या जब 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 कभी ऐसा भी हो जावे कि श्री चक्र आदियों में कहा हुआ चीज को तदर्थ विचार, माने श्री चक्र में कहे मंत्रों के अर्थ का विचार करने लगा और अभेद भावना करने लगा, उक्त प्रकार का तत्व की भावना करने से
निष्काम क्रमेण, वो भी निष्काम से कर दिया तो क्रमेण उसकी मुक्ति पद की प्राप्ति हो जाएगी। यद्यपि श्री चक्र आदि यंत्र आराधना वांस्तो या तथा जोड़ लेना चाहिए, यद्यपि ऐसा हो भी जाता उनका तो भले ही, लेकिन जो बाई स्थूल पूजा करने वाले हैं इनको तो मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। ऐसे तथापि ऊपर समझ लेना, यद्यपि बोले थे ना तथापि श्री चक्रादि यंत्र आराधन वांस्तु सकामो न कदापि मुक्ति पद आरोप भवित मरति, वह कभी मुक्ति पद के योग्य हो ही नहीं सकता। जब बाह्य पूजा कर रहा है उसे निश्चित रूप में कोई न कोई कामना होगी ही, और कामनावान है तो मुक्ति का अधिकारी ही नहीं रह जाता है। अस्य सर्वदा बहिर्मुखत्वा, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होगा वह सर्वदा ही बहिर्मुख होगा, वह अंतर्मुख होकर के भावना कर ही नहीं सकेगा। और शंका करता है, कहते कैसे नहीं मानोगे आप, मानना पड़ेगा ना, क्योंकि आप भावना को लेकर के प्रधानता दोगे भावनाओं को, फिर तो देवताओं को भी मार डालना पड़ेगा, उनका भी विलय करनी पड़ेगी सारी देवियों की। आपने तो अद्वैत में जाना है, अंत में तो सच्चिदानंद रूपता में लीन होने की बात कहते हो, सबको ललिता में लय कर दो और ललिता को अपने में लय कर दिया, फिर सब तो लीन हो गए ना, सब तो विनाश हो गया सबका एक तरह से। ये पूर्व पक्षी आशंका करते हैं, ननो अव्यक्त मदंकारा कामेश्वरी वज्वेश्वरी भगमालिन्यो अंतस त्रिकोणगा देवता, ये 28 वाक्य था इत्युक्तम, ये कही गई। इसके अनुसार अव्यक्तादिन्तु सर्वाणि तत्वानि परमार्थ पर तत्व प्राप्त्यर्थम अपलापनीयानी, आपके मत के अनुसार जो अव्यक्त है जितने भी तत्व है यदि मोक्ष पाना है तो क्या करना पड़ता है, इन सकल तत्वों को जो परमार्थ है पर तत्व है ब्रह्म आत्मा जीव जो भी कहते हो उसमें क्या करना पड़ेगा, उस पर तत्व की प्राप्ति के लिए इन सब को उस पर तत्व में ही विलय करना पड़ेगा, अपलाप करनी पड़ेगी। इति वेदांताभिमतम एवं सति उक्त देवता त्रयस्य अव्यक्तादि रूपेण अवस्थितं विना विनाशो हि भवेत्, कहता है अपने तीनों देवताओं का विनाश कर देंगे, क्योंकि ये देवता लोग तो बिना इन तत्वों का रह नहीं सकते, और तत्व लीन कर दिए बिना आश्रय का कहाँ रहेंगे, ये तो मर जाएंगे सब, इनका विलय हो जाएगा इनका विनाश हो जाएगा, तो ठीक नहीं है। न किम एवं देवता विनाशकर्ता प्रत्यवायी स्याद, और क्या इस प्रकार देवताओं को भी विनाश करने वाले को कोई पाप नहीं लगेगा, प्रत्यवायी नहीं होगा वो, यदि चेत सिद्धांत कहते न, अरे इतना घबराओ मत, कोई न देवी मरता ना कोई देवता मरता है विलय करने से आपके, पर आपकी मुक्ति हो जाती इतनी है, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। सर्वदेव अधिष्ठान भूताया कामेश्वरिया सदानंद घन पूर्ण रूपेण एकीकरण से विहित, 28 वाक्य में वो 28 था ना, 28 की 27 इनके क्रम नंबर बदल रहा है शायद, ये किसी को वले कर दिया होगा ना, 26 में था अव्यक्त महदहंकार कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिन्यो, इन्होंने फिर 28 क्यों लिख दिया उसमें नंबर ना, भाव वाह 28 लिखा था ना, मैंने उन्होंने इसका तो कई वाक्यों को एक कर लिया होगा, कम कर लिया वाक्य संख्या, वाक्य संख्या कम कर, तभी उनके लिए वो 28वां है, इनके हिसाब से 26वां बन रहा है। और वो जो इन्होंने लिखा आगे का वो यहाँ इनके क्रम के अनुसार हो जाता 28, सदानंद पूर्ण स्वाति पर देवता ललिता, यहाँ 28 हो गई, उनके हिसाब से फिर हो जाएगा 30वां, है ना, जो आगे बढ़ रहा है ना इनकी वीतत्वा सर्वगत मूर्त स्वरूप महावराम बिना यंत्रे मूर्त देवताम भावन ही प्रत्यवायी भवे, बल्कि उल्टा कहते हैं एक में अद्वितीय तत्व का चिंतन करने से कोई पाप नहीं लगता है, सकल देवताओं का अधिष्ठान भूता कामेश्वरी है वह सदान घन पूर्ण है, ये उसका एकीकरण का जो विधान आपने स्वयं किया है, इसलिए बल्कि इस वास्तविकता को न जान करके भेद बुद्धि से परिच्छिन्न मानना देवताओं को ये बड़ा दोष है। जैसे राजा को साधारण व्यक्ति मान करके एक रुपया आप दान मांगोगे तो दंड के पात्र बन जाओगे, राजा कहे मेरा अपमान कर रहा है तो एक रुपया मांग रहा है, बड़ा दंड देगा ना वो, इसलिए उल्टा है यहां पर कह रहे आपने देवताओं को परिच्छिन्न माना इसलिए आपको बल्कि पाप लगेगा, हमने देवताओं को परब्रह्म ही मान लिया हमें कोई पाप नहीं लगेगा।
सर्वगत अमूर्त स्वरूप भावना बिना, सर्वगत जो अमूर्त है, देवता के सब कैसे हैं, सर्वगत है, अमूर्त है, उस भाव रूप स्वरूप की भावना के बिना केवल यंत्र में उसको मूर्त देवता माना, परिच्छिन्न माना, तो ऐसी भावना करोगे तो तुम प्रत्यवायी बनोगे। तुम क्यों नहीं बनोगे प्रत्यवायी, आप अवश्य प्रत्यवायी बन जाएंगे। और पक्ष एक और विचार उठाता है, ननो उक्त प्रकार का आह्वान आसन अर्घ्य पाद्य आचमनीय स्नान वस्त्रादि उपचारे बाह्य बाह्य श्री चक्र आराधन बिना भावना मात्र न कषित इंद्रियाणी विषय व्यापार विमुखानी भवितुम अर्हन्ति। देखिए वो कहता है केवल भावना करने से इंद्रिया नियंत्रण में आने वाली नहीं है, इंद्रिया बहिर्मुख हो जाएंगे, भागते रहेंगे, गड़बड़ करेंगे। ये सब जो उक्त प्रकार का आपने जो 31वें वाक्य में कहा था, भावना है क्रिया उपचार, इसे आपने वहां पर 20 प्रकार का उपचार होम तक का लिया है ना, वो जो उपचार बताए गए थे क्या क्या, आवाहन आसन अर्घ्य पाद्य आचमनीय स्नान आदि 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 जितने बताए गए थे, उनको वायु श्री चक्र उनके द्वारा वायु जो श्री चक्र है उसकी आराधना के बिना भावना मात्र से किसी का भी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं हो सकते। निश्व व्यापार मुखा विमुख भवितुम अर्हन्ति, मैंने नारंति अध्यार करना कश्चित भी है ना, जो आक्षेप में नैव कश्चित क्षण अपि जातु तुष्टम अकर्म कृतो, गीता भी कहती है, इसलिए एक क्षण भी ये बिना कर्म किए बैठ नहीं सकता। लेकिन भावना करे तो क्या होगा, इति स्मरण। आप इतना ही नहीं, कोई भावना कर रहा है, कोई बहिर पूजा कर रहा है, आप करे तो बेकार है, इधर तो तुम पाप कर रहे हो, उसको छुड़ाने की बात करते हो, ये गलत है। गीता ने कहा अज्ञानी जो कर्म कर रहा है उसे कर्म छुड़ाओ। ना भी पर तत्व ज्ञान अनधिकारत्व मंदानोपी यंत्राराधका नाम तद आराधना अविश्वासजनक उक्त प्रकार का भावना उपदेश युक्त। और परत्व ज्ञान के जो अनधिकारी हैं, जो मंद बुद्धि वाले, वो यत्न की आराधना करने वाले लोग हैं, उनको आराधना में अविश्वास को पैदा करने वाला इस प्रकार की भावना को उपदेश करना भी तो उचित नहीं है। स्मृति कही न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञान कर्म संगीनाम स्मरणात् तस्माद् इयम् उपनिषद् सर्व अनर्थकारित्वाद् प्रेक्षणीयाय एव। इसलिए वास्तव में यह भावना उपनिषद अत्यंत अनर्थ करने वाली है, इसकी तो उपेक्षा कर देनी चाहिए, इसको पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल गलत है, इसको छोड़ दो। अत्र उचित सिद्धांत के दारे भाई इतना क्यों परेशान हो रहे हो, ये जो उपदेश सुनने वाला भी तो नहीं मिलेगा, या ऐसा उपदेश है सुनने वाले भी काम है, हम कहाँ भड़का रहे हैं किसी को, इसके अधिकारी खुद आते ही नहीं कोई। यंत्राराधका ही लोके स्व आराधनोत्तम प्रमाण अन्वेषण पर एतद् उपनिषद् पुस्तकम् आदाय महतां मुखेभ्यो अर्थ शुश्रूष प्रार्थयन्ते तेषां यथार्थोपदेशेन बुद्धि भेदया स्यात् चेत् तदा श्रुतिरुपदेष्टिनां वा कौन वा अपराधः। जो यंत्र के आराधक इस लोक में है वो अपनी आराधना के उत्तम प्रमाण के अन्वेषण करने लगते हैं, जो मैं आराधना कर रहा हूँ ये कहाँ तक सही है ये समझने के लिए वो प्रमाणों को ढूंढने लगता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है चीज, हर बच्चा कोई पूजा पाठ करने बोलोगे इसमें क्या प्रमाण, आजकल माँ बाप बता नहीं पाते हैं, अच्छा फिर हम नहीं करेंगे, हाँ तो क्या क्या होगा, नकल थोड़े करना है, अकल लगाएंगे हम, बिना अकल का नकल नहीं करेंगे। आपने कह दिया कर दोष हो गया, बचपन में कर लिया जितना करना तो हो गया, समझे बिना आपने कहा प्रणाम कर तो कर दिया, अब मैं क्यों करूँ, बड़ा हो गया मैं समझ रहा हूँ, आप बताइए क्या कारण है, क्या है विशेषता, समझाइए इस बात को, आप प्रमाण नहीं दे पाते तो कर्म से हट जाता। इसी तरह षडयंत्र के साधक भी क्या है, वो भी चाहेगा ना, वो जो कर्म कर रहा है उसके लिए प्रमाण ढूंढना चाहेगा। ये क्षण परा एतद् उपनिषद् पुस्तकम् आदाय, उस दौर में क्या होता है, उसको षडयंत्र संबंधी पुस्तक हाथ लग गया, तब उसको षडयंत्र संबंधी है ना, यदि जितने भी शाक्त संबंधी उपनिषद हैं वो इकट्ठा करेगा, वो सर्वोत्कृष्ट प्रमाण उपनिषद है,
इसलिए अपने श्री यंत्र की पूजा के संबंध जितनी भी उपनिषद इकट्ठा करने लगा, उस चक्कर में उसको भावन उपनिषद का ग्रंथ भी हाथ लग गया और उसे लेकर महापुरुषों के चरणों में चला गया। आदाया महता मुखे प्यो, महापुरुषों के मुख से अर्थ शुश्रूषव प्रार्थयन्ते, अर्थ सुनने की इच्छा से प्रार्थना करता है। तेषां यथार्थोपदेशेन बुद्धिभेदः स्यात् चेत्, और उनको उन गुरु ने क्या कर दिया, इस भावन उपनिषद के यथार्थ का उपदेश कर दिया, और उससे यदि उन आराधकों में बुद्धिभेद पैदा हो जाता है, बुद्धिभेद स्यात् चेत्, तदा तब तो श्रुति को उपदेश दोष देना, श्रुति को क्या दोष दोगे तुम, मैंने श्रुते है कौन अपराध, श्रुति ने क्या अपराध कर दिया, उपदेशता ने क्या अपराध कर दिया, तुम बताओ। हम जाके किसी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करना चाहते, कोई अपने आप प्रमाण अन्वेषण करते करते हम तक पहुंचा तो हम क्या करें, हम ना बताएं, हम ना पढ़ावे, हम पढ़ाए उसकी आस्था कर्म से हट गई, अब भावना में आस्था हो गई, तो हम क्या करें, हम अपराधी हैं क्या, श्रुति अपराधी है क्या, तो हम स्वयं जाते और सबको भड़काते तब तो हम अपराधी हैं। हम कहीं नहीं गए, किसी को पढ़ाने नहीं गए भावना उपनिषद, आराधक है, अनेक जन्मों से षड्यंत्र आदि पूजा किया हुआ है, संस्कार है उसके अंदर, और वो चाहता है इसके उत्कृष्ट प्रमाण में समझो, उसके हाथ लग गई पुस्तक को पढ़ना चाहा, तो हमने पढ़ा दिया, तो हमारी क्या गलती है, और हमारे पढ़ाने के उसको भावना की प्रधान तो समझ में आई, उसने छोड़ ही दिया किसको, भाई पूजा को छोड़ दिया, अंतर्याग और परावपासना में लग गया और मुक्त हुआ, तो श्रुति का क्या दोष है, उपदेशक का क्या दोष है। तस्मात् इसलिए कहते देखो, न च भावना मात्रेण इंद्रियाणाम विषय व्यापार वैमुख्यम न सेति नवाच्यम। अरे तुमने जो कहा था भावना मात्र से इंद्रियां विषय व्यापार से विमुख नहीं हो पाएंगे, ऐसे तो मत कहो कि भावना कर्त्रियां बुद्धौ सर्वेषां इंद्रियाणाम लीयमानतः। भावना वही कर सकता है जिसने पहले इंद्रियों को शमन कर लिया, ऐसी थोड़ी भावना होगी जो कोई भी अगर भावना करने लग जाए। अरे बुद्धि में इंद्रियां लीन हो चुकी पहले, तभी बुद्धि भावना कर पा रही है। इसलिए आप तुम कह रहे हो कैसे कर लेगा, नहीं हो सकता भावना से, अरे भावना शुरू ही तब हुई जब इंद्रियां लीन हो गई, जब बुद्धि में वही करे भावना मात्र के अंदर इंद्रियां नहीं होते, समझ को कि भावना को करने वाली बुद्धि में सारी इंद्रियां लीन हुई तभी भावना होने लगी बुद्धि में, और जब तक इंद्रियां लीन नहीं होते हैं तब तक बुद्धि से भावना नहीं की जा सकती है, तो बाहर मुखी होकर तुम पूजा करते रह जाओ, इतना आसान खेल थोड़ी है भावना कर, अद्वैत भावना उसमें भी। उक्त प्रकार भावना रही तो ही क्षणोपी अकर्म कृत न तृष्टि श्रोते है, और स्मृति ने जो कहा था एक क्षण भी चुपचाप बैठ नहीं सकता, उसके लिए जो भावना के अधिकारी ही नहीं, जब भी भावना करने योग्यता जिसमें नहीं है उसकी बात कर रहे। उक्त प्रकार भावना से रहित जो है, माने इस प्रकार भावना करने के जो अधिकारी नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में स्मृति ने कहा था एक क्षण अपनी अकर्मृत न तृष्टि श्रोते है, अतो अनया उपनिषदा न स्मृति विरोधा। इसलिए इस उपनिषद के साथ उन स्मृतियों का कोई विरोध नहीं है। न च बाह्य आराधन उपरुद्य देव्याः सगुण मूर्त भावनैव यह प्रतिपादिशिता इतना वाच्य। पूर्व पक्ष यदि कहता है अरे वह बाह्य आराधना को मिटा करके ही देवी का सगुण मूर्त भावना यहाँ पर विधान किया है, वो निर्गुण नहीं मान रहा, अभेद भावना नहीं मानता भी पूर्व पक्ष, बोले ठीक है मान लिया मैंने भावना का विधान किया यहाँ पर, इन्हें भावना जो विधान किया गया वो सगुण का ही भावना विधान किया, बाह्य आराधना को हटा करके देवी का सगुण मूर्त भावना का ही विधान हुआ है। इति न वाच्यम, ऐसे मत कहो, अरे वाक्यों का चिंतन करो ना, उपचार भी अद्वैत पर उपचार है, सारे जितना उपचार बताया गया था सब उपचार भी अद्वैत पर घटाया हुआ है, तुम कैसे कह सकते हो सगुण ब्रह्म के विचार है, सगुण उपासना का विधान हुआ, इसे नचवाच्यम खंडन कर दिया,
समझा रहे देखिए, जैसे वस्त्र को देखिए, चिदग्नि स्वरूप परमानंद शक्ति स्वर्णम वस्त्रम, ये कहा चिदग्नि स्वरूप जो परमानंद शक्ति स्वर्ण है उसी का नाम वस्त्र कह दिया। तो पूरा अद्वैत ब्रह्म की बात कह रहा है, सगुण कहा यहां पर निर्गुण हो गया। ये आपका वस्त्र वाक्य सातवां संस्कार था। नौवें संस्कार देखिए आभरण के बारे में क्या कह रहे हैं आप, स्व व्यतिरिक्त वस्तु संग रहित स्मरणम विभूषणम, ये कह दिया स्व व्यतिरिक्त वस्तु असंगता, यही भूषण ही कह दिया। वो असंगता तो आत्मक रूप हो गया ना, अद्वैत भावना निर्गुण भावना ये तो। इस तरह से आभूषण भी अद्वैतिक कह दिया गया। नौवां है ये, आठवां यज्ञ पवित्र। और आगे देखिए इति च एवं असंग चिद्रूप निर्गुण ब्रह्म भावनाया एव प्रकृतत्वात्, इस प्रकार से असंग चिद्रूप निर्गुण ब्रह्म भावना ही यहां पर प्रकृत हुआ है, सगुण भावना नहीं है। इतना ही नहीं, पंद्रह उपचार देखिए आपका तांबूल, तांबूल को देखिए, नमस्कार को देखिए, प्रदक्षिणा को देखिए, होम को देखिए, सब में तो अभेदी अभेद बोल रहे हैं। अवस्था त्रयकीकरण आत्मक तांबूलेन, अवस्था त्रय का एकीकरण करके तुरियों में स्थित होना ही तांबूल प्रदान करना का है वहां। और तुरीय अवस्थात्मक नमस्कार है ना, तुरीय अवस्था में स्थित हो जाना ही नमस्कार कर दिया। च निर्गुण ब्रह्म भावना ही प्रकृत भवती, इनके तरह स्पष्ट है निर्गुण भावना ही यहां प्रकृत है। पंद्रह और अठारहवां संस्कार, यद्यपि मूलाधारात आ ब्रह्म रंध्र पर्यंतम इत्यादि के द्वारा उक्त लक्षण प्रदक्षिणा, जो प्रदक्षिणा के द्वारा लगता है विष्टित्व भावना एवं प्रकृता, विष्टित्व भावना प्रकृत है, ऐसे सत्रवी जो सत्रवी है प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा है ना इधर, हाँ सत्रवा है, उसके बाद आता है अठारहवें में नमस्कार। सत्रवें में लग रहा है आपको कि ये परिच्छिन्न वस्तु की बात कह रहे हैं, विष्टि की भावना करने के लिए कह रहे हैं, यद्यपि ऐसा लग रहा है। न तो अखंड बोध आनंद लक्षण समष्टि तत्व भावना इति न आशंकिता, इसलिए अखंड बोध आनंद रूपा समष्टि तत्व की भावना करना नहीं है यहाँ, ऐसे आशंका न करें। न तो सा उपपद्यते, आपकी आप बात उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों? कुतः कि 19वीं जो वहां संस्कार बताया गया था उसमें देखिए देह शून्य प्रमात्रता निमज्जनम बलिहरणम, देह शून्य प्रमात्रता मात्र रूप में स्थित होना, ज्ञात रूपेण स्थित हो जाना ही बलिहरण करके कहा था, 19वां संस्कार है ये कहा गया है। अब यहां बताओ यह कैसे आप दोष दे सकते हो, इति देह शून्यत्व भावनाया, देह शून्य रूपेण जो भावना कह दिया तो ये कहां से आ गया, मूल आधार से ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र से मूल आधार, उसका अर्थ और कुछ नहीं पड़ेगी कि यहाँ देह शून्य की भावना करने को कहा गया है। प्रमात्रता स्वरूप समष्टि चैतन्य निमग्नत्वात्, प्रमात्रता का जो स्वरूप जो समष्टि चैतन्य है उसमें विलीन रहता है, समष्टि मूलाधार ब्रह्मरंध्र ओर, इसलिए वहां मूलाधार ब्रह्मरंध्र जो कहा गया वो भी व्यष्टि में नहीं लेना, उसको भी समष्टि में ही लेना। समष्टि मूलाधार ब्रह्म और ऐश्वर्य और विवक्षित तत्व उपत्यश्च, उन्हीं का ईश्वर का ऐश्वर्य रूपा जो समष्टिगत मूलाधार से ब्रह्म, ब्रह्म से मूलाधार है उसी को वहां कहना इच्छित है। तस्मात सर्वगत ब्रह्म भावना ही प्रकृता, से निष्कर्ष निकला सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म भावना ही यहाँ प्रकृत है, सगुण मूर्त ब्रह्म भावना नहीं है। तरी बलिहरण अनंतर कार्यो होमा कीदृश इत्यता नित्या इति, और बलिहरण के अनंतर कार्य तो होम कैसा होवे उसके लिए नित्या इत्यादि से कहा गया। नित्यात्त विलापनम नित्यस्य कूटस्थ घटाकाशस्थानीयस्य आत्मना परस्मिन महाकाशस्थानीय चिन्मात्र आत्मनि विलापनम होम इति, नित्यात्त का विलापन का मतलब क्या, का नित्य में इस जीवा तो इसको अनित्य मान रहे थे, इसका विलय कर देना। कैसे करना, वो भी कर नित्यस्य, नित्य कौन है जो कूटस्थ है, घटाकाश स्थानीय से जो घटाकाश स्थानीय था और घट रूपी उपाधि को फोड़ दिया तो क्या हुआ, आत्मनः परस्मिन महाकस्थानीय चिन्मात्र आत्मनि
जो परब्रह्म परमात्मा महाकाश के समान है उस चिन्मात्रा में विलापनम हो महा विलापन करने होम करके कहा गई थी। आर्द्रां ज्वलंतीम इत्यत्र मान जुहोमि स्वाहा इति नित्यात्मन होम द्रव्यता श्रवण। जिस शरीर आदि को नित्यात्मा मान के बैठे हो इनको भी वहां ब्रह्मरूपी अग्नि में होम करने के लिए विधान कर दिया है। और कहता भी है माम जुहोमि मैं अपने आप को आहुति दे रहा हूं स्वाहा कहता है। परिपूर्ण ध्यानम एव तत् पादुका निमज्जनम इत्यवम मुहूर्त त्रयम। और ये भी कह दिया परिपूर्ण ध्यान क्या है तत् पादुका निमज्जनम उसकी पादुका में डूब जाना। इस प्रकार से मुहूर्त त्रयम वा मुहूर्त द्वयम वा मुहूर्त एकम वा भावयतो देवतायाम आत्मना ऐक्यम सिद्धति। ऐसे भावना करने से परा देवता त्रिपुर सुंदर ललिता में आप जीवादि भाव सहित तो, शरीर आदि इंद्रिया सब के सहित तो, आप उसी में एकीभूत हो जाएंगे। इसलिए कहा भी है तथा श्रुत्यंत्रम तुम वाहमस्मी भगवो देवते अहम वै तमसी तुम ही मैं हूं तुम वाहमस्मी हे भगवो हे देवते देवतायाम आत्मना सैक्यम। इस प्रकार से धातु इसमें देव अहम वही तुमसी तुम मैं हो और मैं ही तुम हो दोनों तरफ कह दिया तभी वास्तविक ऐक्यता मानी जाती है एक तरफा नहीं होता। एवं प्रत्यक्ष ऐक्य पर्यवसन नाम इमाम भावनोपनिषदम बाह्य श्री चक्र आराधना आधारभूतम मन्यमाना नाम पांडित्यत्व तो कौन भूयात। कहते कि भाई प्रत्यक्ष ही जब ऐक्य पर्यवसान हो रहा है यहाँ ऐसे इस भावना उपनिषद को भी बाह्य शक्ति का आराधना के प्रति आधारभूत है सिद्धांत है ऐसे मानने वाले के पांडित्य के बारे में मैं क्या कहूँ आपको अर्थात ऐसे महामूर्खों से क्या समझावे ऐसे पंडितों को क्या बतावे जहाँ स्पष्ट सब कुछ अद्वैत भावना के बाहर उठ रहा है उसको भाई पूजा जबरदस्ती ले जाना चाह रहे हैं। नच चिंतित कार्य सिद्धि अभिधान अथ सगुणोपासनम एव अत्र उक्तम स्यादिति न शंक्यम। पर वही पूर्व पक्षी शंका करता है अंत में जो का जो चिंतन करेगा वही वो फल मिलेगा इससे मालूम होता है सगुण ब्रह्म की उपासना यहाँ पर है निर्गुण का नहीं। ऐसी आशंका बिना करें निर्गुणोपास का नाम अपनी मोक्ष कार्य सिद्ध है उनको भी उनकी जो चाहेगा का मतलब क्या हम मोक्ष आ रहे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। निर्गुण उपासना करेगा निर्गुण ब्रह्म भावना करेगा उसकी इच्छा हो चाहेगा मोक्ष मुझे मिलेगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा जब वो पंक्ति भी मोक्ष पर घट जाएगा कोई आपत्ति नहीं। तस्मात सर्वम अनवद्यम अवगंतव्यम इसलिए सब कुछ यहाँ पर अद्वैत भावना पर की ललिता की या जो श्रीचक्र की उपासना ग्रहण करनी चाहिए इसमें कोई दोष कहीं भी किसी प्रकार का नहीं है ऐसा निश्चय करना चाहिए। यदि सुंदरेश्वर तात्पाद शिष्य अपय दीक्षित विरचित उपनिषद भाष्य भावनोपनिषद भाष्यम समाप्तम भवदे। सुंदरेश्वर नामक वही हुए उनका जो पट्ट संतान और शिष्य रूपा जो अपय दीक्षित नामक जो सभी उपनिषदों पर भाष्य लिखते रहे हैं उन्होंने अब इस भावनोपनिषद भाष्य पर भी पूरा कर दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।